तो हेलो मेरे भाई लोग, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हम यूट्यूबर में। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे भाई लोग कि आप जैसे रिडीम कोड वगैरह फ्री फायर के ऑफिशियल द्वारा अनाउंसमेंट होती है तो आप रिडीम करने के लिए उसके वेबसाइट पे FF रिवॉर्ड पे जाते हो। तो मेरे भाई वहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करते होगे कि आप अगर फेसबुक की ID एक लॉगिन कर लेते हो तो वहाँ पे दूसरी ID लॉगिन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मतलब दूसरी ID लॉगिन करने ही नहीं आता है काफ़ी सारे बंदे को। तो मेरे भाई उसी चीज़ को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड मेरे भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। तो मेरे भाई लोग बिना किसी देरी किए चलता हूँ मैं क्रोम ब्राउजर में, एंड वहाँ पे आपको बता देता हूँ मेरे भाई कि आप रिवॉर्ड को, मतलब जो रिडीम कोड मिलता है उस रिवॉर्ड को दूसरे ID में कैसे ले सकते हो। तो मेरे भाई लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो मैं यहाँ पे FF रिवॉर्ड जहाँ पे रिडीम कोड हम रिडीम करते हैं फ्री फायर का कोई भी, तो यहाँ पे देख लो भाई मैंने सर्च कर दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है वो अपना फ्री फायर का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे देख लो मेरे भाई ये आ चुका है, एंड यहाँ पे आप लॉग इन करते हो फेसबुक से। जैसे कि मैंने फेसबुक पे क्लिक किया एंड यहाँ पे क्रोम सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि क्रोम में ही लॉग इन करना है अपने को। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा मेरे भाई, एंड यहाँ पे देखो मेरी जो ID है जो मैं फ्री फायर लॉगिन कर रखा हूँ ID यहाँ पे आ चुकी है जी, जो कि सीके अनिल वाली ID यहाँ पे देख लो अच्छे से। तो मेरे भाई यहाँ पे देख लो प्रॉब्लम क्या होता है जब यहाँ पे आप दूसरी ID में रिवॉर्ड लेना चाहते हो, मतलब जो रिडीम कोड मिलता है उससे अगर आप दूसरे ID में लेना चाहते हो, यही प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे आप दूसरी ID को लॉगिन नहीं कर पाते हो फेसबुक वाली। तो उसी को मैं इसमें फिक्स करने वाला हूँ कि आप कैसे लॉगिन कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग आउट मार दिया, लॉन्ग आउट मारने के बाद मेरे भाई फिर से मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे ख्याल से वो जो अभी लॉगिन हुई थी ID वही फिर से यहाँ पे लॉगिन हो जाती है। यही प्रॉब्लम है यार, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व मैं करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको क्या ऊपर में देख रहे हो वन के बगल में एक रेड डॉट का मतलब आइकन बना हुआ है रेड डॉट ऊपर में, तो मेरे भाई वहाँ पे आपको क्लिक करना है। लॉन्ग आउट कर दिया मैंने और यहाँ पे देखो आपको ऊपर में 3 डॉट दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद देख लो यहाँ पे मेरे भाई नीचे आपको देखो एक हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। देखो मैंने जैसे टाइप किया ऐसे आपको भी करना है, एंड मेरे भाई देखो ऊपर में क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक करना है आपको। ऐसे इतना करने के बाद मेरे भाई देखो बेसिक में मैं हूँ, बेसिक नीचे लिखा हुआ है टाइम रेंज, उसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट आवर, लास्ट 24 आवर, मतलब आपको ऑल टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये नहीं करोगे ना तो आपका वो मतलब प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लो ऑल टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एंड मेरे भाई नीचे में ये सब टिक लगा है ना, इसको टिक ही लगा देना है आपको। अगर टिक नहीं लगा होगा आप में तो तीनों को टिक लगा देना है, उसके बाद नीचे में क्लियर डाटा आपको कर देनी है, देन आपको बैक आ जानी है क्रॉस से। तो यहाँ पे बैक आ गया, मैं वेबसाइट पे ही था। तो यहाँ पे आपको अब फेसबुक पे टैप करनी है। तो यहाँ पे देख लो मेरे भाई जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगा, देख लो यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे देखो मैंने फेसबुक पे टैप करा, एंड यहाँ पे मेरे भाई लॉगिन करने के लिए अब दूसरी ID आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को आप ऐसे फिक्स कर सकते हो, एंड मेरे भाई आप अपनी दूसरी ID में रिवॉर्ड को ले सकते हो। तो मेरे भाई आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो से हेल्प हुई मेरे भाई तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, एंड उसके साथ मेरे भाई वीडियो को एक शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में मेरे भाई लोग, जब तक के लिए टट्टा बाय बाय गुड बाय।